हाय गाइस, दिस इज मी अनाया। वेलकम टू द चैनल द पटनाइट्स। सो आज मैं आई हूँ आपको एक अपडेट देने, जो कि लाइक पटना में बहुत ही ज्यादा डिमांड है गर्ल्स हॉस्टल, बेस्ट गर्ल्स हॉस्टल का। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पे है। तो वो है, लोकेशन है गांधीनगर और हॉस्टल का नाम है क्रिएटिव जीनियस हॉस्टल। तो मैं आपको अंदर लेके चल के दिखाती हूँ। एंट्री के साथ ही गाइस मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ है, जो कि आपको एंट्री और एग्जिट के समय फिंगरप्रिंट करना है मशीन में। और यहाँ पे हॉस्टल इंचार्ज को तो पता चलेगा ही, साथ में पेरेंट्स को भी ये मैसेज जाएगा कि कब आप हॉस्टल में हो और कब आप हॉस्टल से बाहर जा रहे हो। तो ऐसी फैसिलिटी मैंने और कोई हॉस्टल में नहीं देखा है। तो गाइस अभी जस्ट मैं रूम में आई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो दो बेड्स लगे हुए हैं, जो और स्पेस भी काफी अच्छा है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पंखा तो है ही और साथ में आप देख सकते हो कूलर का भी, ठंडा ठंडा हवा खा सकते हो, जो कि हर हॉस्टल में आपको ये चीज अवेलेबल नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो चीजों को रखने के लिए आपके लिए रैक्स भी बनाए हुए हैं और इधर ड्रॉअर है, यहाँ पे पूजा पाठ का सामान भी रखा हुआ है और अपना जरूरत का सामान आप रख सकते हो यहाँ पे। सो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आई हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो चारों तरफ एक ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। और इधर वॉशिंग मशीन की व्यवस्था है, इधर बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पे वाटर कूलर, आपको पानी हमेशा 24 आवर्स ठंडा मिल जाएगा। और यहाँ पे आप नॉर्मल पानी ले सकते हो, वो भी प्यूरिफाई। और आपको हर एक फ्लोर पे दो वॉशरूम मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे इंग्लिश स्टाइल है और इधर मैं दिखाऊँ तो इंडियन स्टाइल है। बाथरूम में गीजर भी लगा हुआ है, जो कि आप ठंडा में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सामने आप रूम देख सकते हो, उससे सटे जस्ट हॉल है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हम लोग के डेली यूज में जो भी सामान होता है, तो गैदरिंग नहीं रहेगा, आप यहाँ पे जो भी चीज आप लेना चाहते हो आराम से यूज कर सकते हो। साथ में आपको छत भी मिल जाएगा और हवादार छत है, आप ऊपर आके बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, ऊपर भी खा सकते हैं, रूम में भी ले जाके खा सकते हैं। और आप देख सकते हो कितना अच्छा एरिया है, ये बोरिंग रोड का एकदम एरिया, मेन एरिया है। आपको सामने से दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ बेसिन भी आप देख सकते हो और बहुत अच्छा है, शांत एरिया है, तो आप आके आराम से यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। सो गाइस, ऊपर में ओपन किचन मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो काफी बड़ा और साफ सुथरा मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आप खाना भी देख सकते हो, चावल दाल सब्जी पापड़ अचार आपको मिल जाएगा साथ में सलाद के साथ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का खाना हाइजीनिक है। और गाइस सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे बालकनी दिया है, जो कि काफी स्पेसियस है और आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़ा भी पसार सकते हो और शाम में आके आप यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा सकते हो, अपना जो भी लंच वगैरह है सब यहाँ पे आराम से आके एंजॉय कर सकते हो। गाइस इस हॉस्टल में मुझे एक और चीज बेहद ही पसंद आ रही है, जो कि आप देख सकते हो उसको स्टडी रूम बनाया गया है और चारों तरफ इसके बेंच और चेयर्स लगे हुए हैं, आप आराम से अपना एकांत मूड में आप पढ़ाई कर सकते हो। एंट्री के साथ ही आपको ऑफिस मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ कि ऑफिस, और मैं सर से बात करवाऊंगी। तो हेलो सर। हेलो। सो मुझे जानना है कुछ आपके हॉस्टल्स के बारे में। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। लाइक कैसे, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर। देखिए, एक बेसिक जो स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे जैसे उसका टाइम सेव हो सके, जैसे वॉशिंग मशीन है या पढ़ने के लिए अलग से जगह स्टडी रूम है, है ना, या मिड बिटवीन अगर पढ़ाई में कभी उसको कुछ स्नैक्स लेना हो तो इंडक्शन दे रखा है हम लोगों ने। अच्छा, है ना, मतलब वो सारी चीजें जो उसको पढ़ाई में सपोर्ट करे, ताकि वो अपने रिजल्ट तक कन्वर्ट हो सके। इस हॉस्टल की प्राइस की बात करूँ तो 2 सीटर 8500 और 3 सीटर 8000 में मिल जाएगा। पे आप देख सकते हो कुछ चीजें जो बहुत खास है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, बट पेड ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि काफी यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए और टाइम सेविंग है। वाईफाई है, इन्वर्टर है, वॉशिंग मशीन, सेमिनार, कॉमन इंडक्शन और वाटर कूलर। ताकि मैं आपको मेन्यू बताऊं, तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है, जैसे रोटी सब्जी मिठाई, जो कि मैंने कभी आज तक नहीं सुना, और संडे को स्पेशली पूरी सब्जी और जलेबी मिलता है,
तो ये बहुत अच्छा चीज़ है यहाँ पे इस हॉस्टल में।